Peace is the biggest and one of the best religions in the world.
बचते हैं चलावा है फलक पे क्यों कि कैसे सांस बचते हैं चमन करवट बदलते हैं कि गुल भी आंख मलते हैं फटी झोली में अब तक कुलों में अनोखी रस्म देखी है खुदाई छोड़ दी किसने ये किसके जख्म सिलते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी क्वायर से खूबसूरत क्रिसमस का गीत सुनेंगे। क्वायर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी भरपूर तरीके से खूबसूरती से हमारे मेहमानों को खूबसूरत गीत सुनाएं। थैंक यू वेरी मच। बात तो ये कि मुझे इस बात का फखर है कि मैं, और दूसरा ये है
कि चीफ साहब हमारे यहाँ हैं इस वक्त, चीफ साहब तो शायद मेरा ख्याल है अपने ख्याल का इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी उनसे यही उम्मीद थी कि आप की रस्म जो है वो आप अदा करेंगे, और नेल्सन मंडेला साहब की उनके उनकी खिदमत, क्योंकि नेल्सन मंडेला साहब की जो खिदमत है वो जीसस को उन्होंने फॉलो किया प्रैक्टिकली, और इम्प्लीमेंट जो है यानी जीसस का जो मैसेज है मैसेंजर्स पर, यानी हम यानी अपना जो मैसेज है उस पर गौर करने के बजाय हम मैसेंजर्स की वो लगे हुए बढ़ाने चढ़ाने में। तो मैं समझता दो चीजें आज मैं क्लियर करना चाह रहा था, एक तो ये है कि मुझे 44 साल हो गए, 44 साल हो गए हैं मुझे इस खिदमत पे, लेकिन 36 साल मैंने अपने आप को 24 आवर अपने आप को जो महसूस किया, 44 साल में मुझे कभी एक दिन बुखार नहीं, किसी किस्म का कोई मिसहैप नहीं, जो खिदमत इंसानियत की करता है खुदा उसका साथ होता है। लिहाजा मुझे 14 अपना जो 44 पाउंड का जो केक आ रहा है वो 44 पाउंड का केक आ रहा है, और ये केक पूरी दुनिया में शायद पहला केक होगा, इसलिए कि हम केकों की जो रस्में हैं हम वही केक वही हम सालगिरह पे काट रहे हैं, वही हम अपना यानी उस पर काट रहे हैं, अपना यानी बर्थडे पर काट रहे हैं, किसी की शादी पर काट रहे हैं, लेकिन जब यानी हम कुछ स्पेशल समझते हैं कि जीसस ने जो थी वो लोगों में ब्रेड बांटी थी, कि जब आखिरी जो ज़ियाफ़त थी उसमें भी उन्होंने ब्रेड तोड़ी थी, उसके अलावा जब वो भूख लगी थी तो उन्होंने कहा था कि आपके पास कुछ है, तो उन्होंने कहा जी 5 रोटियां हैं, तो लिहाजा 5 रोटियों से जो बरकत दी है ये दोनों चीजें जो है ये दोनों तरफ ऐसे। तो ये नेल्सन मंडेला साहब को इसी लिहाज से आज उनकी एजाज में हमने खड़ा होना है और एक मिनट की खामोशी करनी है। लेकिन क्रिसमस की जो थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि क्रिसमस जो है ये सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं है, आप नबियों के दिन मनाते हैं, औलिया के दिन मनाते हैं, पीरों फकीरों के दिन मनाते हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जिन्हें यानी कुंवारी मरियम से यानी पैदा होने का यानी जो शहादत है वो कुरान पाक यानी देते हैं, बल्कि कुरान पाक में जो है वो पूरा मतलब है कि कुरान पाक में मकसद मरियम के खातून में से मकसद मरियम के नाम के अलावा किसी खातून का नाम भी नहीं है, लेकिन बड़ी बदनसीबी होती है कि कहते हैं कि शायद न्यासा क्रिश्चियंस का है। क्रिश्चियंस का मैं आप डिस्कशन पे चले जाइए, आप बहस पे हमारे भुट्टा साहब भी बैठे हैं, सब सारे हमारे बड़े अच्छे, मैंने क्योंकि बुकला को मैंने चाहा था, हमारे पास हॉल का रेंज छोटा था, हमने पूछा था कि कोई खास है, तो हमारे इन्होंने कहा था कि कोई खास नहीं जिसे भी बुलाए, तो ये मिक्स किस्म की यानी है, इसमें सोसाइटी है, यहाँ पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, लेकिन पर ये इस्लाम में तो छूत और नफरत है अभी नहीं, और अजबी को अरबी पर और अरबी को अजबी पर वो तो कोई यानी इस्लाम की प्रैक्टिकल थ्योरी जो है यानी वो छूत और नफरत के खिलाफ है, इसीलिए हमने ब्राह्मण से जो सेपरेट जो कल्चर मांगा था क्योंकि उनके अंदर एक क्लास डिवीजन है, हमारे यहाँ क्लास डिवीजन नहीं है, इस्लाम जो है यहाँ तक कि सहाबा इकराम ने कहा कि आप मदीना शरीफ में गिरजा नहीं, आपने बल्कि वेलकम किया मेजबानी की, यहाँ तक कि सहाबा इकराम ने कहा कि आप पाक मदीना शरीफ में गिरजे नहीं, हम नमाज कहाँ करवाएंगे, तो आपने कहा कि देखो खुदा की मस्जिद। लेकिन आज का दौर क्या ऐसा है, हम इंसानों में तकसीम हो चुकी, और ये नहीं हमारे नेल्सन मंडेला को जो खास तौर पर हमारे चीफ साहब की यानी बहुत एक मैसेज जो है उनके लिए यानी उनके तशरीफ लाना यानी उनका यही था कि ऐसे लोगों का इत्राम किया जाए जो मोहब्बत और प्यार, आज जो मतलब ब्लैक जो है ब्लैक हाउस में यानी व्हाइट हाउस में अगर कोई ब्लैक चले गया है तो ये स्ट्रगल की ये ब्लैक एंड व्हाइट जो बनाया गया ये मतलब है कि ये एक यानी एक स्ट्रगल के पीछे उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है। लेकिन बिशप टीटू जो है इन्होंने उनकी बैग जब वो 27 साल जेलों में रहे तो मुख्तलिफ है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजियस और सोशल वर्कर मिलकर अगर करेंगे तो हम अपनी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो मैं इसके साथ ही हमारा मैसेज ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन क्रिसमस के हवाले से मैं ये कह दूं कि नया साल जो है ये यीशु की 25 जो दिसंबर जो है ये एक वर्ल्ड की ज्यूरी ने बैठकर ये फैसला किया था कि ये 25 का दिन एक एक बोल बोल के बता दे, यदि छोटे दिन को तो बड़े दिन क्या कोई आपका है, मैं से छोटा सा है कोई आपके गीत में है कोई बड़े दिन मुबारक हो बस है कोई चले, पर मकसद क्या है कि छोटे को
हमने छोटों को बड़ा करना है। और आप जीसस का ये जो पैगाम फ्रंट पर है, ये एक्चुअली ये तमाम मजाहिब का, मजाहिब के अलावा तमाम मतों का, तमाम यानी हम जो यानी बुद्ध मत है, यानी मीन्स के हदायतें जो है उनका भी ये मैसेज है। और यानी आप ये मैसेज जो है, ये अपना ये मैसेज जो है, असल हम मैसेज पर नहीं गौर कर रहे, हम मैसेंजर्स पर फाइट कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर काश अगर हम अपने मैसेज की तरफ तवज्जो दें, तो मैं समझता हूँ मैं खुशकिस्मत कि मैं 66 साल की मेरी एज है और 44 साल में खुदा का शुक्र है एक दिन बुखार नहीं हुआ। और खुदा का ये भी शुक्र है कि एक इन जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असला लहसन नहीं, शराब पर मंडी। और 66 साल में पाकिस्तान, और ये वो खिता है, वो खिता के जहां हम तीन बादशाह मशरक से आई, हम उस कल्चर में रह रहे हैं, हम प्राउड है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुआ। मैं कम से कम मैं बिल्कुल जहनी तौर पर मुतमिन, लोग जा रहे होंगे अमेरिका जा रहे हैं, मैं कभी कभी उन्हें सोचता हूँ, मैं पूछता हूँ कि अमेरिका जाके क्या करोगे, बच्चे गवाब हो गए, बुढ़िया गवाब हो गए, बड़ी हिस्ट्री खत्म हो जाए। ये शुक्र है खुदा, हमने लाखों शहादतें दी, मौत की अजमत लूटी, बच्चों को नेजों पे डाला गया, भाइयों की गर्दनें गई, हमने पाकिस्तान लिया। काश काश जिस तरह चीफ साहब खड़े हुए, काश बैरोक्रेसी जिस तरह 6 साल 12 साल माशाल्लाह के खिलाफ लड़ा पाकिस्तान और मशरक के खिलाफ, 10 साल मशरक के खिलाफ खड़ा, आज तक किसी पार्टी की 4 ने की मेंबरशिप नहीं ली गलती से भी। मैं समझता हूँ कि मैंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी ली जो है मेरी बेसिक पाकिस्तान का मालिक चेसालिक, इसलिए कि फराद के हाथों में अकवाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब हमें ये समझ आ गई तो चीफ साहब की तरह हम प्राउड है। चीफ साहब हमें खुशी है कि आप जीसस के उस पैगाम के आपके आधी यानी आधी रिक्वेस्ट से आपने एग्री किया। आपको पता था कि क्रिश्चियन ये नहीं मतलब है कि ये नहीं शायद बहुत कम होंगे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हैं, यहाँ पर बड़े बड़े शिया सुन्नी वहाबी ब्रेलवी देवबंद नक्शबंद चक्रालवी बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े एंकर हैं। यानी बात ये होती है बगैर घुंघरुओं से नच के वखाओ, लाल रुमाल की मूवमेंटें चली थी बगैर मीडिया के चल गई थी, यानी मुट्ठी भर की आटे की मूवमेंटों से। उस वक्त पे जब चीफ साहब यहाँ पर नाम लेना उस डिक्टेटर और आमर का मुश्किल था, चीफ साहब का खड़े हो जाना, चीफ साहब का खड़े कैसे हो गए थे, चीफ साहब खड़े होकर बताए कैसे खड़े हो गए थे, खड़े होकर बताए खड़े होके बताए कि कैसे खड़े हो गए थे, कैसे खड़े हो गए थे, लिहाजा हमें ये मत सोचे कि हमें राइट नहीं मिल रहे ना मिले भाई, यानी इस परचम के साए तले एक पति ना मिले तो नासी तो नहीं मिलेगी, सब नहीं मिलेगी, बड़ा नासन वारिक हो जा, हमें बिजली मिले ना मिले इस परचम के साए तले, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। कौन देता है यहाँ, यहाँ दुनिया के लीडरों की, आप हजरत उमर फारूक की आप देखे कि 12 लाख मरबे फुट पर था, लेकिन उनसे उनसे उन्होंने कहा था कि अगर मेरे दौर में कोई दरिया जदला पर अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसको उम्र का हिसाब दे। क्या आज अकाउंटेबिलिटी है, क्या हम अपने आप को इंतजाम के लिए पेश कर सकते हैं कि ये इस्लाम क्या कहता है, क्या इस्लाम यानी क्या यानी दुनिया के यानी जो इलेक्टेड लोग होते हैं, क्या मुल्क के दुनिया के वजीर आजम को इंकलाब ला सकते हैं, क्या मौजूदा यानी इलेक्शन लड़ा था, क्या गांधी इलेक्शन यानी हम माने ना माने, क्या गांधी इलेक्शन लड़ा था, क्या कायदे से मोहम्मद जुना बाबी पाकिस्तान इलेक्शन लड़े थे, क्या यानी खगाबाब जापान इलेक्शन लड़ा था, यानी घरों में 40 साल तक घरों में रहा उसके बच्चे। यानी मैं अब इतनी लंबी नहीं कर रहा, जरा मैं केक की वजह से लंबे कर रहा हूँ क्योंकि यानी स्पीच किसी की है नहीं, आज असि दोवे मियां बीवी का मेला लुकड़ा है।
ये तय क्योंकि पहले चीफ साहब लूटते थे, अब मैं लूट रहा हूँ, इसलिए अब चीफ साहब के साथ मिलकर हमने लूट रहे हैं। और बात ये कि चीफ साहब मेरा कल शायद मेरे से छोटी होंगी, इसलिए मेरे से साल छोटे हैं, छोटे ही बड़े होते हैं और छोटे ही बड़े होते हैं। अब ये है कि ये आपके साथ अगर डिप्रेस्ड लोग खड़े हैं जिन्हें आज तक कोई बड़े से बड़ा अमन, बड़े से बड़ा डेमोक्रेटिक का सो कॉल्ड चैंपियन मुझे खरीद नहीं सका, मैं जूतियां उतार कर, जूतियों से मरा ये नहीं कि तो नहीं, मैं जूतियां उतार करके कभी कोई गरीब का बच्चा असेंबली में आया, इतना भी गरीब नहीं हूं मैं। जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त हमारे 18 मुलाजिम थे, यानी कोट लखपत में मेरी सबसे पहले हमारे वालद की फैक्ट्री थी ईगल कंपनी लिमिटेड के नाम से, यानी मेरे वालद ने कॉटन कॉलेज से एफएससी की, सीटीआई 12 पत्र जाए तो सियालकोट से टॉप किया हुआ है, और जाए मेरे वालद ने अंग्रेज के खिलाफ बगावत की और कोर्ट मार्शल हुआ, मेरे ब्लड में शामिल है, दादा मेरा प्रीस्ट, वालद मेरा आर्मी के कोर्ट मार्शल और जय सालत। आप क्या समझते हैं कि आपको कोई मलामी जो है बड़े बड़े बालों वाले आएंगे तो साधु आएंगे, अब क्या फिर यानी दादा साहब कोई आएगा, यहाँ पर सेवन शरीफ साहब आएगा, यहाँ पर बुल्ले शाह आएगा, इसी तरह के मलांग आएंगे जिन्होंने इस हिस्ट्री को तब्दील करना। और इंकलाब कैसे आता है, इंकलाब आ चुका है अगर जय सालत अगर नोबल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट है ऑफिशियली 18 करोड़ में अभी तक कोई नॉमिनेट और कैबिनेट से अप्रूव है, और ये भी कोई सिफारिश नहीं, ये 1992 में आया था, यानी लेटर आया था नॉर्वे को और चारों असेंबलियों में गया, और चारों असेंबली के बाद 4 साल की रिसर्च के बाद यानी 1996 में कैबिनेट में आया, कैबिनेट में मैं बैठा था और ईदी साहब का नाम आया तो मैंने कहा जी मैं ईदी साहब का नाम ड्रॉ करता हूँ, बीबी कहती आप बैठ सकते हैं बात नहीं कर सकते, कहने की ये मुल्की मामले की बात है, जय सालक की बात नहीं है, हम देखेंगे मैरिट किसका है, मैंने कहा जी मेरा तो मैरिट कोई नहीं, कहती नहीं आप तो जो आवाज उठाई है चेचनिया बोस्निया युगंडा फलपायन बर्मा वो आपने दुनिया के लोगों की बात की है, मीती साहब ने अगर कफन दिया तो अपने बच्चों को दिया है, अगर जितीन बच्चे पाले तो अपने बच्चों को दिया, पाकिस्तान के बच्चों को, अगर मदर टीसा को मिला तो वो मदर टीसा प्रदेश पहुंच कहेगी और वो खिदमत कहेगी की, इसलिए अपने बच्चों को पालना कोई बड़ी बात नहीं, हर बच्चा हर बहुत हर जानवर भी अपने बच्चों को पालता है लेकिन दूसरे को बच्चों को पालना ये बड़ी बात थी। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि वक्त की कमी है, मैं केक की वजह से थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि केक जो है ये आइंदा लाइफ फॉर ब्रेड फॉर लाइफ यानी ये खाने के बगैर जिंदगी नहीं है, ये केक यानी आम केक नहीं होना चाहिए, क्रिसमस के मौके पर, नए साल के मौके पर, ईस्टर के मौके पर, जब तकदस उजड़ू ना करे कि वो ही मुंडे केक कटिया जा रहे हो, की गाँव रहे हो, छठी हो रही हो, फूका रहे हो, केक कटिया जा रहे हैं, केक के अंदर कोई मैसेज होना चाहिए, तो ये मैसेज है कि ये ब्रेड जो है ये बांट कर काट कर लोगों को गरीबों को, क्योंकि जीसस ने और तमाम नबियों ने क्या कहा कि मैं भूखा था तुमने खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी ना पिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा ना पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबर गिरी ना की, मैं कैद में था तुम मेरे पास ना आए। उस वक्त बथेरे आके कहेंगे क्या खुदावंद आए, खुदावंद हमने बड़ी दुआएं की, लेकिन खुदा उन कहेगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं क्योंकि मेरे छोटे भाई आपके पास आए, आपने उनकी खिदमत नहीं की। तो ये 6 मैं इस दफा का 25 दिसंबर जो है यानी मैं अपना चर्च में और मेरी मिसेज जो है हम अपने जेल के चर्च में जाके अपने दुआ करेंगे और उनको खुशखबरी देंगे। और उसके ये भी मैं बता दूं चीफ साहब बैठे हुए ये जो अंदर जो आजकल ये हरियाणा जेल में पावन कमरे बन रहे हैं, लाहौर में बन रहे, ये मेरी 3 साल तजवीज के बाद कि अगर कोई 25 साल कैद काटता है तो उस मर्द का तो कसूर हो सकता है लेकिन उसकी औरत का क्या कसूर है कि वो भी 25 साल बाहर काटे, क्योंकि इस्लाम में 3 साल के बाद उसका असूरी तौर पर निकाह खत्म है। लिहाजा ये फैमिली वैल्यूज फैमिली रूम बन चुके हैं। ये वुमन थाने जो है ये भी मैं आज सामने बता रहा हूँ कि वुमन थाने भी मेरी तजवीज पर बने हैं। जब मैं यदि अपने वहां सर्वोदय के बीम पर बैठकर बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको ये सारा जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन वक्त की
यानी फिर मैं खाता रखते हुए आपसे गुजारिश करूंगा क्योंकि आप जो है ना खड़े हो जाए ताकि कम से कम कुछ टाइम पास करें। मेरे पास तो मैं 18 घंटे बोल सकता हूं। एक बड़ा लाजवाब है चल पड़ा हुआ क्योंकि ये बनाया है यहां से नहीं बना, ये बनाया है ताजीद बेकरी वालों ने, लियाकत साहब ने एज ए स्पेशल। ये एक एक बड़ा नायाब और आप खाएंगे आप खुश होंगे, ये वहां से भी ले करेगा आपको, यानी ये एक किस्म का मैंने उनको आइडिया दिया। तो बात ये कि मैं क्रिसमस की वजाहत कर रहा था कि 25 जो है ये तय हो गया। अब ये 25 को यानी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए यानी जीसस पैदा हुए, लेकिन उस वक्त तक वो निजात हिंदा नहीं बन रहे, मीन्स के वो जो यानी नबी होने का दावा या जो आप जो भी आपके मैसेजर कहे जो भी आप कहे, इसलिए नहीं बन रहे कि वो शरीयत ही पूरी हुई। 25 को पैदा हुए लेकिन 25 को यानी उसमें यानी कहा गया है क्योंकि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं आया बल्कि शरीयत को तो पूरा कब होते हैं 7 डे के बाद उनका खतना होता है। क्या होता है? तो आप लै इस्लाम तब कह सकते हैं कि जब खतना हो जाए, तो खतने के पहले दिन को आप नया साल कहते हैं। अब ये कहा जाए कि ये नया साल सिर्फ कुछ है लै इस्लाम, बल्कि मैं कहता हूं ये ज्यादा यानी ज्यादा भरपूर तरीके से, क्योंकि लै इस्लाम का लफ्ज तब ये मतलब इस पर जितनी मर्जी डिस्कस कर ले जितनी मर्जी डिस्कशन कर ले, क्योंकि शरीयत जो है खतना खतना जो है यानी यस्सू का यानी 7 ये पहले जो 25, 26, 27 है ये किसी काउंटिंग में नहीं आई, नया साल पहले दे। तो लिहाजा ये हमारा सबका मुश्तरक है क्योंकि यहाँ पर 1,24,000 पैगम्बर उस खत्ते से आए हैं। हमें मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर यानी अपनी खुशियां जो है सेलिब्रेट सबके साथ। नहीं मैं ईद मिलाद नबी मैं जब शुरू में आगाज हुआ ईद मिलाद नबी का
मैंने क्रिश्चियन मुस्लिम पे इत्तेहाद जो है मैंने तकरीबन यानी 35 साल पहले बनाया। मुझे पता था सियासतदान कौन होता है। आप यानी आप कहते हैं जी सियासत यानी ऐसे उल्टपुट नहीं, सियासत का जो आप बाइबल में जाए 3 दफा यूज हुई सियासत, उस पर सियासत की गई। मैं तुम्हें सियासत का लुकत में जाए 3 दफा सियासत जो है मीन्स की जजमेंट। जज गलत हो सकता है, जज गलत हो सकता है, जजमेंट बताते खुद तो कोई बेस नहीं है। जज जजमेंट जो है वो तो जजमेंट है, लिहाजा जज हम सियासत जो है वो जजमेंट को कहते हैं कि एक सियासतदान सोच रहा है। मैंने सोचा, मैंने कहा मेरा मैं दिल की बात कह दू कि जज साहब को कुछ करना होगा। अब मैं दबे लफ्जों में ये कह रहा हूं कि जज के आपने जो निजाम जिस तरीके से बेशक जो मर्जी हर तरह के नबियों पैगंबरों के क्या 100% लोग साथ हुए, क्या जैसलों को लोग नहीं लोग जैसलों को क्या, लेकिन मैं 5 दफा इलेक्ट हुआ। मैंने सिंध से टॉप किया, मैंने पंजाब से टॉप किया, मैंने बलोचिस्तान से टॉप किया, मैंने सरहद से टॉप किया, मैंने वफाक से टॉप किया, मैंने पीपल्स पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी है उसने मोहतरमा की जब बहुत अरूज था, मैंने 70,000 वोटों से बीबी को हराया, मैंने नून को हराया, मैं इंडिपेंडेंट जीतता आ रहा हूं। लेकिन बात यह है कि जे सालक है यानी इतने तो बड़े एंकर लाए रहे, मुझे ऐसे लोग PhD की साजी डिग्रियां दे रहे, मैं डॉक्टरी की डिग्री नहीं समझता कुछ भी, लेकिन जो मैं एक ब्रेन जो है यानी ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप PhD करके आए। बुले शाह ने कौन सी PhD की थी, यानी आपने ये जो आपने देखा कि बीए की डिग्री BA देने के बाद असेंबलियों का रिजल्ट देख ले, बुले शाह की कौन सी डिग्री थी, नौज बिल्ला नबियों पर ये अकल खुदा ने दुनिया के हकीरों न चीजों न कमों और कमीनों को चुन लिया ताकि हिकमत वालों की हिकमत को नेश करे, न साहब इलम अपने इलम पर, न साहब दौलत अपनी दौलत पर नाज करे, बल्कि इस बात पर नाज करे कि वो खुदा उनको जानता है। खुदा उनके बगैर एक पता भी पैसे का, आपका क्या ख्याल है ये डिसाइडेड प्रोग्राम था किसकी तरफ से, ये सेवन जो है ये बच्चे सेवन ये साथ है, देखे साथ है, अब साथ का यदि इन्होंने साथ ही करने थे, ये सेवन एक फलसफा है, सात चढ़ाव, सात कलीसिया, सात समुंदर, सात आसमान, सात गर्जे यानी रोशनी के रंग, सात यानी खाना काबा के गिर यानी बिस्मिल्ला समेत बिस्मिल्ला सारी आयतों को तो यानी सेवन यानी सात का खुलासा सेवन ने यानी 8 सिंह यदि आप कहते हैं 7-8 सिंह मीन्स कि आपने सारा कुरान पाक पढ़ लिया, ये खलासा है यानी सेवन और यानी ये कुदरती निजाम में सेवन का दखल है। तो सेवन क्वायर इनको लेकर आए और फरिश्ते झुमट में लेकर आए, जीसस का जो पैगाम है कि कुचले हुए डिप्रेस्ड और डिग्रेड लोगों के लिए, ये बेशक मतलब है कि हम गिले करें शिकवे करें, मेरे भी शिकवे हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे मजलूमों की जिन्हें मैं सुबह यानी अपना इफ्तारियां देता था, मैं इफ्तारियां करवाता था शाम को जी, मैंने यानी अपना यानी बहुत सारे लोगों को, लिहाजा सबको तो हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ जरा जल्दी करें पता करें हम इसके साथ ही आ गया। एक उतनी देर तक आप अपने थ्रेट करते आप अपना जो है यानी फेवरेट जो है पाकिस्तान की सलामती के लिए जोर से पाकिस्तान इंदिरा खुदावन ने पाकिस्तान में बंधु है, यदि पाकिस्तान के लिए वो ताकत नहीं है हमें पाकिस्तान ये तब होगा जब हम जीसस के मैसेज को, मैसेज क्या है के गरीबों मजलूमों मजबूरों डिग्रेड लोग जो है डिप्रेस्ड मैं कुचले लोगों को आजाद करने के लिए आया, तो मैं आज कितनी आजादी मिली है कि कहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कहां मिसेज एक साइड पर मैं बैठा, हम अपनी फ्रीडम कर रहे हैं। ये फ्रीडम है मुल्क है मेरा, जाए मुझे अमेरिका में ले जाए, वहां पर आप कितने भी अंग्रेजी बोले कभी आप रंग से मार खा देंगे, कभी वो पूछते ओके योर जीन्स
which country you're born, what your nationality. वो कहेंगे तेरा दादा कितने पैदा हुआ है. वो आप कंट्री पाकिस्तान निकलेंगे, आप चाहे अमेरिकन बन जाए, अमेरिकन बन जाएंगे, बच्चे ख्वाब होगे, बुढ़िया ख्वाब होगे, जिथे गे अथे कम से कम असि प्राउड आ. हमारी दुनिया देखी, ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ देखा, वो भी शायद चीफ साहब को भी मौका मिला तो हम कट्ठे जाएंगे. हाँ जी, नहीं समझे, ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा क्योंकि बरसगीर इतना दूर है, अकेला जाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए जी कट्ठे. तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है. आप जरा एक उनके सेट कर ले. यदि वो पेड़ा होता है, पेड़ा गोल मोल होता नहीं नजर आता. इसकी जो आप जाए ना सेव डिक्शनरी में, तो इसको वो पेड़े को केक कहते हैं. तो अब हम क्योंकि केक से पहले हमने नेल्सन मंडेला साहब की वो उन्होंने जो यानी एक तमाम दुनिया के लिए एक मैसेज छोड़ा है, उनकी हमने खामोशी करनी है. ज्यादा बच्चे भी यहाँ आ जाए, चीफ साहब भी आ जाए, जय सारिक भी आ जाए यहीं, और सब जरा खड़े होके पहले चीफ साहब बैठ के कर लो भाई. ये छोटे बच्चे आ गया. दरमियान चला जा, दरमियान चला. तेरी हाइट छोटी है, डिफरेंस नहीं होंगे कैमरे में. बड़े पहले की सारे अंदर खुश कराते जाए, क्योंकि अब ये अब इधर सबसे यार इधर सेट ना हो, एक साइड से मिले जी, ताकि इधर 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 ये थोड़ा साइड को चले जी, चले जी, चले आते जाए. मिलते जाए और आते जाएंगे. Yeah, let me know.
इसलिए बस ये सोच रहे वो खुद फैसले करने वाला वो है। अच्छा आपको आप ये भुट्टो साहब भी साफ के निजाम पर थे, गाड़ी नंबर 77 पर सवार रहे, घर नंबर 70/70 ऐसे ही 7 साल बामे रूज पर रहे, 7 मुलजमों के हमरा, 7 मुकला का, 7 दिन रहम के फील, ऐसे 7 बच्चों के ये 2 बीबी 4 बच्चे खुद 7 यदि फराद के हमरा, ऐसे 70 गिरफ्तार यानी 7 साल बामे रूज पर, 21 तोपों की सलामी लेने वाले, 70 21 तोपों की असर तो होगा नहीं होगा, होगा होगा असर होगा नहीं होगा डेफिनेट होगा है जी, बहुत बेहतरी है। देखिए अगर मुझ जैसा लाए बड़े बड़े जितने फन्ने खा लाए सियासी फन्ने खा, मैं सबको जानता हूँ कोई भी है। जरा मेहरबानी कर यार, बाकी फालतू बंदे कोई बकरे बना दो, ये सब सर अगेन बना लो यार, बना लो यार, नीचे बैठे सर खराब करना जी भाई, प्राइवेट है जो भी हो गया ना आप बैठे केक खाए एक है और बहुत है सोनी साहब, बहुत सारा जब सोनी साहब आए ये आए रजाक साहब इधर आए और ये खाए जबरदस्त और जिसने लेना हो ये आइंदा इसको इस रजिस्टर करवाए इस नाम को फौरी तौर पर रजिस्टर करवाए और जो मेरा भी परसेंटेज रखा करना बिल्कुल इसका बादल जिंदगी चपरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने की जुर्म की है भाई है सदा याद नहीं इंसान नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंदिर से, इस हाल में जीना लाजम है जिस हाल में जीना छोड़ूंगी मेरे पसंदी कलम रामाला तेरा नाम आवा ते लिख दवा मेरे खून दिल लाज से आए लिख दिया साबिया वास्ते लिख दिया मुक जावा बन जावा खुराक भुखिया दी इस बदन नु खर्च दिया मुक जा पाकिस्तान जिंदाबाद। टेस्ट कर केक समझ के आज टुकर समझ के ना खत्म मैंने अभी अभी नहीं दूंगा खुद बैठ जाए छोटे छोटे बैठ जाए हम आपको सप्लाई करते हैं।